अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम फिक्री सवाल से गड मैं तवां जी मेज़बान शमा कीरियो। नाज़रीन, इंसान ज़ात के जेके शयूं सब का वधीक अज़ीज़ आहिन उनन में बोली भी एक है। केतरा ही इंसान आहिन जेके पांजी मादरी बोली के इंतहाई मुकद्दस समझंदे उनसां वालिहाना वाबस्तगी जो इज़हार कंदा आहिन। बोली कौमन जी शनाख्त एकता जो इंतहाई अहम जुज़ आहे। पांजे इन प्रोग्राम में असा बोलिन बाबत गलाइंदासी। अजो के इन प्रोग्राम में असा इन ते गाल ते गलाइंदासी त आखिर पांजी पांजी मादरी बोली सा इंसान के इतरी मोहब्बत छो आहे। इंसान जी जेका समाजी इर्तका थी आहे उन में बोलिन जो कड़ो किरदार आहे। बोलिन जे इर्तका में जेका जोग्राफिया कंडीशंस आहिन उन जो कड़ो किरदार रहे तो या वरी बया उहे केड़ा आंसर आहिन जेके बोलिन जी इर्तका ते असर अंदाज थियन था। इन जमाने में इन दुनिया में केतर अड़ी बोलियो जी पाँ शनाख्त विञाए चुकियो बोलियों के जवाल जा कड़ा सबब थियन था। साइंस मजहब टेक्नोलॉजी ये जी भी शूँ उन्हें बोलियों के इर्तका केतरो असर थे तो व्यूअर्स एकड़ी जबान बी जबान से या एकड़ी बोली बी बोली से कें असरअंदाज थे थी उन इो असर उन बोली की तनजली या जवाली या वरी तरक्की जो कारण बनजी थी या न कें भी बोली के सर्वाइवल ला उन जो लिखत में होन जरूरी है। रस्मर खत या लप्पी कें बोली के सर्वाइवल ला केतरी जरूरी है। व्यूअर्स असा पांजे इन प्रोग्राम में इन गाल ते भी जरूर गलाइंदासी त जेको बोलिन जो वक्त जेको वक्त आए उहो बोलिन ते केतरो असरअंदाज थे तो। मिसाल तौर शेक्सपियर के जमाने में जेका अंग्रेजी गलाई वेंदी हुई उन में अज के जमाने की अंग्रेजी में इलाही फर्क है। शाह साई के जमाने में जेका सिंधी बोली गलाई वेंदी हुई उन में अज के जमाने में इलाही फर्क है। नाज़रीन, इतने असा इो भी गलाइंदी जी जंगू थियन थियं उन में कें कौमू जीतन थियं कें हारन थियं उन जीत हार में उन बोलियों से केतरो असर थे तो। आखिर में असा पाँ प्रोग्राम में गलाइंदी असी सिंधी बोली से बोलियों के टॉपिक से गल अज अस प्रोग्राम में असाजा मेहमान हैं साईं इनाम शेख साहब जिन पान आईआर डिपार्टमेंट में सिंध यूनिवर्सिटी में कम कन था। अदी फहमीदा हुसैन साहिबा पान सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जी चेयरमैन हैं साईं शौकत शोरो साहब सिंधोलॉजी जा डायरेक्टर हैं बोलियों जा माहिर। पांजी गुफ्तगु इन सवाल से शुरू क्यों था त सब का पैं जी हमेशा पाँच प्रोग्राम को भी प्रोग्राम शुरू कह तो शे आहे चा बोली गाल तो बोली आहे चा पे इन सवाल का शुरू करा थी साईं इनाम शेख साहब जिन सा त आखिर बोली आहे चा। जी शेख साहब जी, जितने कदर मां समझा तो मां बोली जे हवाले से को एक्सपर्टीज मोट काने जेका मुजी पांजी ओपिनियन आ बोली बुनियादी तौर ते इंसानन जे विच में राबते जो एक जरियो आ। इब्तदाई दौर में इंसान जात जी पांजो जा जेके प्री हिस्टोरिक एज या जेके असा वैशी दौर या जंगली दौर भी चाहूं था जी मुख्तलिफ लेयर्स इन इंसानी तारीख में इंसानी समाज जा इंसान खुद इंसान के तरक्की जा तो उनमें पैं पैं जो इंसान के विच में राबतो मुख्तलिफ इंसान के विच में थो तो वो सौत्याती राबतो थो यानि आवाज़ उन बीहक उन इम्पैक्ट्स उन निशानियों या उन साइंस जो चजन उ इंसान जात जैसे पा में कम्युनिकेशन कर शुरू कई तो वह आवाज़न के जरिए थी शुरू की कम्युनिकेशन आवाज़ के जरिए शुरू वो आवाज़ जेके हा उहे वरी पो मयारी थिया त फलाणो आवाज़ जॾहिं हिन उचार सां थींदो त उनजो मतिलबु ही थींदो आवाज़ वरी जेके आहिनि से हिकिड़े तलफ़ुज़ या उचार में कम्युनिकेट थिया में ट्रांसफर थिया छो यानि आवाज़नि खे हिकिड़ो मयारी मयार मिलियो त उहे उचार थी विया पोइ उन्हनि उचारनि खां बाद में मुख़्तलिफ़ एक्सप्रेशन जेके इंसानी जज़्बा इंसानी अहसासात इंसानी जेके मसला हा उन्हनि सभिनी खे डिटेल में बयानु करण जे लाइ
जुमलन जो इस्तेमाल थियो ऐं जुमला या लफ्ज़ जेके क्वाइन थिया या ठहिया उहे जेके आसपास जूं ज़रूरतूं हूं समाजी या ॿिए हर क़िस्म जूं जेके बि इंसानी ज़िंदगी में ज़रूरतूं आहिनि उनखे मदेनज़र रखंदे उहे मुख़्तलिफ़ जुमिला ठहिया, मुख़्तलिफ़ लफ़्ज़ वजूद में आया। उन्हनि लफ़्ज़नि ऐं जुमिलनि अॻिते हली पूरे हिकिड़े सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन जो ख़ासि तौर ते ओरल कम्युनिकेशन यानी ज़बानी जेको राब्तो आहे उनजो रूप वरितो ऐं पोइ ईअं आहिस्ते आहिस्ते ॿोली मुख़्तलिफ़ मरहलनि मां लंघंदी।